हेलो दोस्तों, आज अपने गुणनखंड सीरीज में आगे बड़ा गुणनखंड कर रहे हैं। एक्स की स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20। ये देखिए, ये वर्ग संख्या, ये वर्ग संख्या नहीं है, तो इसके गुणनखंड करने का तरीका है, बाहर बाहर वालों को इंटू करो, माइनस 20 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 20 एक्स की स्क्वायर। अब अपने को 8 के ऐसे दो, 20 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका जोड़ने या घटाने पर, जोड़ घटाने का देखो। सबसे पहले आपका पहला चिन्ह प्लस है, दूसरा चिन्ह माइनस है। यहाँ देखो, पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, इसका मतलब दोनों चिन्ह विपरीत होंगे, लेकिन बड़ा किसका होगा? जो यहाँ चिन्ह है, जो भी चिन्ह है, उसका टुकड़ा बड़ा होगा, यानी प्लस का टुकड़ा बड़ा होगा और माइनस का टुकड़ा छोटा होगा। तो 20 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं माइनस 20 स्क्वेयर के, जिसको गुणा करने में 20 स्क्वेयर आ जाए और जोड़ने घटाने पर, यानी आपस में घटाने पर 8 आ जाए। पाँचों का 20, बड़े को प्लस का लेना है, छोटे को माइनस का लेना है, माइनस 20 तो हो गए, लेकिन इनको आपस में जोड़ेंगे घटाएंगे तो 1 आएगा, तो ये तो अपना टुकड़ा होगा नहीं। अब अपने दूसरा टुकड़ा करते हैं, 10 दूना 20, बड़े को प्लस का, छोटे को माइनस का, तो 10 दूना 20 आपस में घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 8, यानी यहाँ x लगाओ, पूरा आ गया अपना x, ये x स्क्वायर और ये x। अब देखिए, प्लस का 8x बच गया, क्या बच गया? प्लस का 8x, जहाँ प्लस का 8x आया है, ठीक है, वहाँ पर इन दोनों टुकड़ों को रखेंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो x की स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2x माइनस 20, ओके। अब अपने इसके दो दो के समूह कर लेते हैं ऐसे, ये। अब हर समूह में से अपने को कॉमन निकालना होता है, हर समूह में से कॉमन, कॉमन वो है जो दोनों में मिल रहा है, यहाँ 10 है यहाँ 10 नहीं है, तो कॉमन 10 नहीं निकलेगा। यहाँ एक्स की स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, तो कॉमन एक्स एक्स मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है, तो छोटी घात निकलेगी हमेशा बाहर, तो अपने बाहर निकालेंगे एक्स को। बाहर निकालने का मतलब होता है भाग देना, बाहर निकालने का मतलब क्या होता है? भाग देना। तो भाग कैसे देंगे? देखो, एक्स स्क्वायर है तो एक्स गुणा एक्स में एक्स का भाग देंगे, एक्स से एक्स कट गया, क्या रह गया? एक्स प्लस, 10 के पास एक्स थी वो बाहर गई, क्या बच गया? 10, ये माइनस, यहाँ एक्स है यहाँ एक्स नहीं है, तो एक्स तो कॉमन निकलेगा नहीं। अब दूसरा चेक करते हैं कि 2 का भाग 2 में जा रहा है, 2 का भाग 20 में भी जा रहा है, इसका मतलब अपने 2 को कॉमन ले सकते हैं, यानी कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है, तो 2 को बाहर निकाल दें, और ये 2x था, 2x में 2 को बाहर निकाल दिया, यानी कॉमन निकाल दिया, 2 से 2 कट गया, क्या रह गया? x। अब ध्यान रखो, अगर ये चिन्ह माइनस है तो ये चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। अब अपने ये माइनस था, किसका कर दो? प्लस का, और 2 का भाग 20 में देंगे, 10 दूनी 20, ये आ गया 10। अब अपने दोनों कोष्ठक देखो, सेम आ रहे हैं ना, तो अपना गुणनखंड सही है, एक्स प्लस 10 और बार वाला मिला के लिख दो, ये एक्स माइनस 2, ये इसके दो गुणनखंड हो गए, ओके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।